हेलो, यू आर वाचिंग एनएल फर्नीचर्स। 6.5 फुट हाइट है हमारा, है किड्स फर्नीचर, वो 600 से स्टार्ट होता है। अच्छा। कॉट को ऐसे सीट उठाते हैं और ये बीच में फोल्ड होके साइड में आप कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं अपने। बहुत बढ़िया। ये सेटिकम कॉट है, ये बच्चा आपका जैसे 4-5 साल तक यूज करेगा, उसके बाद आप ये रेलिंग हटा दीजिए इसकी स्लाइडिंग, और फिर कुशन्स लगा के इसको सेटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है किड्स के लिए 100% सेफ है। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं उसी स्टोर जहां मिलता है किड्स फर्नीचर, और ऐसा वैसा नहीं, वो भी स्पेस सेविंग किड्स फर्नीचर। और यहां किड्स फर्नीचर 600 रुपए से शुरू हो जाता है। स्टोर का नाम है डिजाइन किड्स, जो कि लोकेट करता है एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर दिल्ली में। और यहां आपको छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक का फर्नीचर मिल जाएगा, मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर टीनेजर्स तक का फर्नीचर मिल जाएगा, जैसे कि बेबी कॉट्स, बंक बेड, कार बेड, एक्टिविटी टेबल, मतलब हर तरह का किड्स फर्नीचर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में। क्योंकि ये अपने हर फर्नीचर में रबर वुड यूज़ करते हैं, जो कि स्पेशल केरला से मंगाई जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बात करते हैं स्टोर ओनर ऋतु जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो मैम कुछ बताइए अपने और अपने स्टोर के बारे में। सर स्वागत है आपका डिज़ाइन किड्स में। मैं यहाँ ऋतु अग्रवाल, ओनर ऑफ दिस शॉप। हमारी शॉप का एड्रेस है B61 मानसरोवर गार्डन, बेसमेंट, मेन कीर्तिनगर रोड, नियर बाय भारत धर्म कांटा, ओपोजिट बीकानेर स्वीट्स। ठीक है। हम यहाँ पर लगभग 35 से 40 साल पुराना हमारा काम है, और हम स्पेशलाइज करते हैं किड्स फर्नीचर में। और बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप रॉ में भी सामान देख सकते हैं, और इसलिए हम प्राइजेस भी हमारे काफ़ी रीजनेबल होते हैं। हम कस्टमाइज करते हैं सामान को आपके अकॉर्डिंग, साइजेस एंड हाइट्स वगैरह कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग हमारा है किड्स फर्नीचर, वो 600 से स्टार्ट होता है, और अपर लिमिट कैन गो एनीवेयर। ठीक है। तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किड्स फर्नीचर में। ठीक है जी। और आपने बताया कि आपकी अपनी खुद की इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। या तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग आ गई वहाँ अपने आप ही प्राइस कम हो जाते हैं फर्नीचर के। हाँ जी। तो आपने एक बात और बोली कि आप रॉ भी दिखा सकते हैं, अगर किसी रॉ दिखा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, उस टाइम पे ऑल्ट्रेशन भी करा सकते हैं अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम। तो आप कितने साल से इस बिजनेस में? आप अराउंड 35-40 ईयर्स हो गए हमें इस बिजनेस में। पहले मेरे फादर इन लॉ करते थे, फिर बाद में हस्बैंड आ गए, और अब मैंने टेक ओवर। ठीक है। 35-40 साल से आप इस बिजनेस में हैं। हाँ जी। ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं? हम बेबी कॉट दिखा देते हैं आपको। ठीक है। बेबी कॉट से न्यू बॉर्न बेबी से के लिए होता है बेबी कॉट। सबसे पहले कौन सा दिखा रहे हैं? ये एक्चुअल में फोल्डिंग कॉट है। अच्छा। जैसे आजकल रूम स्पेस कम होती है लोगों के पास, पूरा दिन खोल के नहीं रख सकते, तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा। कॉट को ऐसे सीट उठाते हैं और ये बीच में फोल्ड होके साइड में आप कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं अपने। बहुत बढ़िया। ये स्पेस एफिशिएंट आपका कॉट है, और ये 4-5 ईयर्स तक का बेबी यूज कर सकता है। मतलब किड्स फर्नीचर में भी स्पेस सेविंग फर्नीचर आता है। या बहुत बढ़िया। और ये पूरा वुडन रबर वुड में बना हुआ है, इसमें ये केरला से आती है रबर वुड। अच्छा। सीजनिंग और ट्रीटमेंट होके। ठीक है। इसमें कीड़ा और डीमक नहीं लगता, नहीं लगता। तो सेफ है आपका बेबी वैसे पूरा। ठीक है। तो ये जो वुड बताया आपने रबर वुड होगी, रबर वुड है। और जो ऊपर ये क्या लगा हुआ है साथ में? ये प्लाई बोर्ड लगा हुआ है सर, प्लाई वुड है ये। हाँ जी। प्लाई है 12 mm की। अच्छा। सीट के लिए यूज होती है ये, और इसके ऊपर डिको पेंट हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये प्रॉपर प्लाई है? प्रॉपर प्लाई है, जो आप लेयर्स में जो आती है प्रॉपर प्लाई। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। ये भी रबर वुड में बना हुआ है, लेकिन इस पे डिको पेंट हुआ हुआ है। अच्छा। इस पे डिको पेंट हो रहा है। हाँ। और इस पे पैनल्स पे आप पेंटिंग करा सकते हो, हैंड। अच्छा। पेंटिंग वगैरह बन। अभी हो रखा है क्या साइड में? नहीं, अभी नहीं हो रखा। अच्छा, नहीं हो रखा अभी। तो आप वहाँ मतलब जो जैसे ये पेंट हो रखे है जैसे, हैंड पेंटिंग हो सकती है। ठीक है, हो जाएगा। और ये ऊपर सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी के लिए लॉक हो जाता है यहाँ से। अच्छा। और बेबी आपका क्लाइम नहीं कर सकता। ये स्टैंडर्ड साइज होता है 51 inches by 30 inches आउटर साइज। ठीक है। आउटर से 51 inches by 30 inches। 30 inches की जो ये ब्रेड्थ होगी या डेप्थ होगी कुछ भी बोलिए, ये विड्थ जो है इसकी 30 inches है, और लंबाई लेंथ जो है इसकी 51 inches है। और आपका जो मैट्रिक्स साइज है वो 48 inches by 27 inches का ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें डिको पेंट हो रखा है, तो उसमें पहले क्या नेचुरल पॉलिश? उसपे नेचुरल पॉलिश है। उसमें नेचुरल, ये लेकर पॉलिश होती है, लेकर। ये लेकर पॉलिश थी। हाँ। ये डिको हो गया। ये डिको। तो
इसके पीछे बहुत प्यारा ग्रे वाला रखा हुआ है, बहुत यूनिक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखो। ये सेटिकम कॉट है, ये बच्चा आपका जैसे 4-5 साल तक यूज करेगा, उसके बाद आप ये रेलिंग हटा दीजिए इसकी स्लाइडिंग, और फिर कुशन्स लगा के इसको सेटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको 10 से 12 साल तक भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब आपका जो है वेस्टेज नहीं होगा बाद में, ठीक है। और ये अप एंड डाउन होती है स्लाइडिंग इसकी भी, लॉक वाले व्हील्स लगते हैं इसमें, ठीक है। ये ऊपर करते हैं, बेबी सेफ हो जाता है आपका, बेबी क्लाइम नहीं कर सकता है, ठीक है। और ऊपर से ये इजी टू मूव है, आराम से इजी टू मूव है, लॉक वाले व्हील्स लगे हुए हैं, अगर आपको लॉक करना है तो लॉक करके ये फिर मूव नहीं करेगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या स्टोरेज है? हाँ, नीचे स्टोरेज है इसमें। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूरा अंदर से पेंटेड होता है, प्लाई में ही बनी होती है ये भी। अच्छा, और सीट प्लाई में बनी होती है, और ये सारा कुशनिंग तीनों तरफ, थ्री साइड्स कुशनिंग है, कुशनिंग होती है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी किड्स फर्नीचर की बात आती है या बच्चों टॉडलर्स या बच्चों बेबीज की बात आती है, तो सबसे पहले हमारा जो माइंड में जो आता है क्वेश्चन कि उनकी सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी सर, इसमें ये लॉक लग जाते हैं ना, बेबी इसको नहीं ऑपरेट कर सकता। जैसे आपने बताया डिक को, इसमें मेरे ख्याल से केमिकल यूज होते हैं क्या जो हार्मफुल हो बच्चे के लिए? नहीं नहीं, कुछ हार्मफुल नहीं है इसमें, कुछ हार्मफुल नहीं है, कुछ हार्मफुल पक्का ना? पक्का, ये हमारा बहुत पुराना बिजनेस है सर, कोई इसमें कोई हार्मफुल नहीं है। अब इनकी प्राइस की बात करते हैं। हाँ जी, पहले सबसे पहले इसकी जो स्पेस सेविंग था, ये 17,000 का है। अच्छा, 17,000 है। और ये 18,000 का है विद मैट्रेस। विद मैट्रेस 18,000 का, वो विदाउट मैट्रेस है? नो, विद मैट्रेस। वो विद मैट्रेस है, बहुत बढ़िया। और ये जो है 22,000 का विद मैट्रेस। विद मैट्रेस, ठीक है। तो इनकी वारंटी क्या रहती है? ये वारंटी जब तक बेबी यूज करेगा, 5 इयर्स तक का बेबी यूज करता है, 5 इयर्स तक कुछ नहीं होगा, 5 इयर्स की गारंटी रहती है। 5 इयर्स की वारंटी है आपकी तरफ से, ठीक है। तो आपने अभी बताया जो स्टैंडर्ड साइज आपके 51 इंचेस बाय 31 इंचेस बताया था, तो सेम वही है? हाँ जी। तो अगर कोई कस्टमाइजेशन कम या ज्यादा करवाना चाहे वो भी हो जाएगा? वो हो जाता है सर, ठीक है। तो उसमें जैसे आपके बेड के लेवल से मैच करनी हो हाइट, अच्छा, वो हो जाता है, साइज छोटा बड़ा हो जाता है, किसी अच्छा, के रूम में कम स्पेस है तो वो छोटा साइज करा सकता है। कलर की भी ऑप्शन, कलर भी ऑप्शन होती है सारी। तो अब ये बेबी कॉट दिखा दी, अब जो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए ये बंक बेड रखेंगे? बात करें, हाँ, बंक बेड्स होते हैं सर। कौन सा सबसे पहले दिखा रहे हैं? ये सर, ये भी रबर वुड में बना हुआ है। रबर वुड जो है ना, आपको मैंने पहले भी बताया, केरला से सीजनिंग और ट्रीटमेंट होके आता है, तो ये मतलब सॉलिड वुड होती है, ठीक है, ये मजबूत होती है पूरी की पूरी। और ये गर्ल्स के लिए बना है, कलर स्कीम इसकी गर्ल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये ऑर्डर पे बनाया हमने, टू गर्ल्स हैं उनकी, ऑर्डर पे बनाया है ये पीस, ठीक है। तो दोनों गर्ल्स हैं, तो पिंक और मूव कलर में बनाया है। चलो, वो तो कोई नहीं, डिजाइन सेम ले सकते हैं, तो बॉयज तो बॉयज के अकॉर्डिंग ब्लू ब्लू, और गर्ल अगर गर्ल और बॉय है तो मैचिंग भी बन सकता है, ऊपर गर्ल का बन गया, नीचे बॉय का बन गया, ऐसे भी बन सकता है, तो दोनों का मैचिंग का हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो और इसमें स्टोरेज फैसिलिटी है, पीछे स्टोरेज दी हुई है, पूरा रैक है, इसमें टॉयज रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, ठीक है। और नीचे पुल आउट करके भी बॉक्स है इसमें। अच्छा, दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, दिखा देंगे। पूरा अंदर बाहर डीको पेंट होता है, अंदर से भी डीको पेंट है, जबरदस्त। मतलब ये प्लाई लगी हुई है, आराम से सो सकते हैं। हाँ जी, साथ ही स्टोरेज भी मिलता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये साइड में भी स्टोरेज है, आपको साइड में भी आप स्टोर कर सकते हैं, स्टेयर्स में भी स्टोरेज है। स्टेयर्स में भी स्टोरेज है, सही है। तो अभी इसका जो एक्चुअल साइज क्या है इसका? ये 8 फीट है, 8 फीट बाय 8 फीट बाय 6.5 फीट, 6.5 इसकी डेप्थ होगी, और इसकी जो चढ़ाई होगी वो 8 फीट होगी, और हाइट कितनी हो जाती है इसकी? हाइट 6 फीट। तो इसमें भी कस्टमाइजेशन हो जाता है? हाँ, छोटा बड़ा कस्टमाइजेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे जैसे ऑर्डर देंगे, इवन हम विजिट करके भी साइजेस लेके बना देते हैं, ठीक कस्टमर है। तो अभी पता क्या करते हैं, पहले आपके ना ये बंक बेड दिखा देते हैं, तीनों चारों जो अभी डिस्प्ले में है वो दिखा के फिर उनकी प्राइस बताएंगे, ठीक है। आप ये वाला दिखा दीजिए, तो सेम ही है थोड़ा, ये वाला ये सेम हो गया, जो इनकी पेंटिंग शो रखी है बस वो अलग है, उसका फर्क है। तो इस पे अगर बच्चे होते हैं उनका कुछ अपना पर्सनल फेवरेट होता है कार्टून, वो भी हो जाता है? कार्टून हो जाता है, वो भी हो जाता है। हाँ जी, ये स्पेसिफिकली बॉयज के लिए बनाया हमने स्पेशली। अच्छा। ये नीचे कार बनी हुई है और इसमें व्हील्स जो हैं ऊपर से एंग्रेवरों के लगाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अंदर भी स्टोरेज है, रैक है, इसमें भी आप अपना सामान रख सकते हैं, रात को सोते वक्त जैसे कोई अलार्म क्लॉक रखना है, ग्लास वगैरह रखना है। ऊपर एक बेड ऊपर है। अच्छा अच्छा, और इधर स्टोरेज है। अच्छा, स्टोरेज चेयर्स में स्टेयर्स होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके भी सारी जो हमारी फ्रेमिंग है वो रबर वुड है, और रबर वुड है, बाकी प्लाई लगा हुआ पूरा, या और इसमें भी डीको रखा है प्लाई, ये प्लाई में बनी हुई है, सीट जैसे प्लाई है, ये सामने बोर्ड में बना हुआ है, जो पिलर प्लाई दोनों यूज होते हैं इसमें, ठीक है। बोर्ड एंड प्लाई दोनों होता है? हाँ जी, मिक्स होता है,
और जो इसके पिलर्स हो गए वो आपके पिलर्स रबर वुड के हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं आप, जो भी कलर कहेंगे वही हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी जो आपके पास डिजाइन रखे हैं, अगर कोई कहते हैं कि मेरा अपना खुद का डिजाइन है मेरे पास, वो आप डिजाइन कर दो या वो बना दो, वो भी मतलब 100% नहीं हम श्योर होते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर देते हैं, 90% तक कॉपी हो जाता है डिजाइन। तो ठीक है, आपने अच्छा ईमानदारी से पहले ही बोल दिया कि हम आपको ऐसे झूठ नहीं बोले कि ये बन ही जाएगा, अगर बन सकता है तो बनाएगा, नहीं बन सकता तो 10% ये 5% मना कर देगा। हाँ जी, है ना, या उसके अलावा उसके मिलता उलता को डिजाइन दिखा देंगे। हाँ जी, फिलहाल आपके पास कैटलॉग में कितने ऑप्शंस है, कितने डिजाइन? कैटलॉग में तो हमारे पास अराउंड 70-80 डिजाइन होंगे। 80 डिजाइन होते हैं आपके पास? हाँ जी, और जो हमने अपने आप बनाए हुए हैं उसकी पिक्स ली हुई है। अच्छा, जो खुद आपने बना रखे वो 80 डिजाइन है आपके पास? हाँ जी। बहुत बढ़िया, तो ये आपने बताया स्पेशली बॉयज के लिए हो गया, ये गर्ल्स के लिए था। हाँ जी। और ये जो रखा हुआ है इसमें ये सिंगल चाइल्ड के लिए बनाते हैं हम, जैसे एक सिंगल चाइल्ड है तो ऊपर जाके सो जाएगा, नीचे अपना अलमीरा है उसका स्टोरेज के लिए और स्टडी टेबल है साथ में। ठीक है, तो आप इसमें एक और ऑप्शन ले सकते हैं, नीचे एक सिंगल बेड और ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे एक सिंगल बेड, एक स्टडी टेबल और ऊपर एक बेड, यूनिट बोलते हैं इसको हम। मतलब कैसे, को दोबारा बताएंगे? इसमें अलमीरा की जगह सिंगल बेड भी ले सकते हो। अच्छा, ऐसे? हाँ जी। उसकी क्या डेप्थ आती है उसकी? उसकी 6x3 साइज होता है। अच्छा, खुल के फिर हाँ। वो 6x6 हो जाएगा जैसे ये था? 6x3 ही रहेगा, हाफ में हाँ, सॉरी 3x3 वैसे बंद रहेगा। हाँ जी, और खुल के 6x3 खुल जाएगा। आपको पिक है तो दिखा देंगे। हाँ जी, फोटोज अभी चलो देखते हैं। तो जैसे अभी इस बेड में जो ये है इसमें हमारा इसमें 6x6 का डबल बेड बन जाता है। अभी 6x3 जो बंद हो रखा है हाँ। खुलने के बाद 6x6 हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि साइड में वो हमारी टेबल तो रहेगी, स्टडी टेबल। हाँ जी। पर यहाँ पे 3x3 का बंद में आ जाएगा, खुल के 3x6। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पैटर्न लगा मेरे को। तो अब इनकी प्राइस की बात करेगा? हाँ जी। ठीक है, तो बताइए पहले इसका क्या प्राइस होता है? ये 60,000 का है सर। ये 60,000 का? हाँ जी। और ये वाला जो साथ ये भी आपका पेंट में भी बन सकता है, ये रबर वुड पॉलिश में है, ये पेंट में भी बन सकता है। ठीक है, ये भी आप मतलब कस्टमाइजेशन तो जिसकी जैसे पसंद होगी वैसे करवा लेंगे। ये फिलहाल इस डिजाइन का जो आपने बताया 60,000। और ये वाला? ये वाला सर अगर ये विदाउट स्टेयर्स लेते हो, क्योंकि इसके साथ इनबिल्ट स्टेयर्स भी दी हुई हैं, तो ये 50,000 का है। ठीक है, अगर ये स्टेयर्स इंक्लूड करते हो तो 65,000 का। 15,000 स्टेयर्स का और स्टोरेज का आपका ऐड हो जाता है। या। और ये जो पिंक वाला है ये भी 65,000, ये भी 60, तो ये भी 65 हुआ फिर हमारा सेल। हाँ जी। ठीक है, तो अब क्या दिखा रहे हैं? ये स्टडी टेबल है सर। अच्छा, ये दो बच्चों के लिए बनाई है हमने। इसकी हाइट जो ना 6.5 फुट है, वैसे अच्छा। रेगुलर में 6 फुट बनती है हाइट। अच्छा अच्छा, इसकी 6.5 फुट हाइट है, अंदर स्टोरेज है। ठीक है, ये स्टोरेज आ गई हमारी। हाँ जी, ये और इसके में साथ में टॉवर है, ये इसके साथ इसके अंदर बैग रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, काफी ज्यादा स्टोरेज है ये। ठीक है, तो ये टोटल यूनिट आपका 65,000 का है विद चेयर्स। With chairs, 65,000 का। वैसे एट द रेट ऑफ 1200 पर स्क्वायर फीट हम चार्ज करते हैं। अच्छा अच्छा, जितना उनके पास स्पेस होता है उसके स्पेस हिसाब से 1200 इनटू जितना भी उनका स्क्वायर फीट होगा उतना चार्ज करेंगे। उतना चार्ज हो जाएगा। तो स्क्वायर फीट मतलब जैसे हम अपना जैसे ये 8 फीट बाय 1.5 फुट का है। ठीक है, तो ये आपका 12 फुट हो गया। ठीक है, तो 12 फुट पे यानी कि 14,400 का आपका ये यूनिट पड़ गया। ठीक है ठीक है, तो ऐसा होता है। हाँ, जो ये छोटा वाला ये भी सेम प्राइस होता है क्या? ये 21,000 का, ये भी 1200 पर स्क्वायर फीट, ये 6x3 का है। अच्छा, और ये बोर्ड प्लाई में ही बनी हुई है, ये भी अंदर स्टोरेज है। और यहाँ पे आप शो पीसेस वगैरह भी रख सकते हैं। नीचे एक ड्रॉर है, नीचे एक बैग रखने के लिए एक ठीक है, एक और स्टोरेज और एक ड्रॉर इधर भी है। ठीक है, और एक चेयर है साथ में, ये 4000 की चेयर है। हाँ जी, ये पूरा सेट 25,000 का है और ये अलग से है, ये 18,000 की है। ये 18,000 जैसे एरिया के हिसाब से, ये एरिया के हिसाब से हो गया, ये भी यही होगा। हाँ जी, एरिया के हिसाब से। इसके साथ बहुत तो आप इसमें रूम सेट भी ले सकते हैं, इसके साथ आप बेड ऐड कर लीजिए तो तीनों चीजें हो जाएंगी आपकी। अच्छा, स्टडी टेबल, अलमीरा और बेड सेम डिजाइन का हो जाएगा। ये पीछे दिखाया था, हाँ जी वैसे ही आप कह रहे हो जाएगा। हाँ जी, इसके साथ में बहुत अच्छा ये कार बेड रखा हुआ है। ये कार बेड है सर, ये भी प्लाईबोर्ड में, इंडियन प्लाईबोर्ड में बना हुआ है। अच्छा, मजबूती की इसकी हमारी गारंटी है। बच्चा मजबूती की गारंटी अच्छा, है अच्छा, बच्चा अच्छा। जितना भी कूदे वूदे कुछ इसमें वो नहीं होगा। अंदर स्टोरेज है, 6x3 का साइज है। अच्छा, इसके अंदर स्टोरेज है जैसे नॉर्मल बेड्स में होता है जो उठा के? हाँ जी, नॉर्मल बेड में जैसे स्टोरेज होती है वैसे ही स्टोरेज है इसमें। बहुत बढ़िया, अंदर से भी पूरा डिको पेंट है। ठीक है, और ये 6x3 का मैट्रिक्स साइज है और आउटर साइज इसका 7x3 है। ठीक है,
और इसमें भी कस्टमाइजेशन जैसे मर्जी हो जाएगी, डिजाइन जैसा मर्जी, कलर जो भी होगा वो हो जाएगा। हमारे पास और डिजाइन से मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ठीक है ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है जो हम दिखा सके, सारे डिजाइन डिस्प्ले कर सके। तो साइज में भी जितना मर्जी छोटा बड़ा, 6x3, 6x6, 6x5, एनी साइज यू कैन मेक। ये अभी हमारा गया है बेड गर्ल्स के लिए, पंजाब गया है। ये 6x6 का बेड है, पीछे हट स्टाइल है, आगे बोनट है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है, और भी कुछ है कि आप? और भी है। हाँ जी, करा हुआ है। ये जैसे ये कारबेड वाइट कलर में मिलेगा आपको, ये भी हमारा बाहर गया था। एक रेड कलर में डबल बेड है, ये सामने डिजिटल पेंटिंग भी हो जाती है। हाँ जी, ये जैसे डबल बेड बनाया था हमने अभी, ये स्टडी टेबल भी साथ में बनी है। ठीक है, ये डबल बेड है। तो मतलब ये सारा आपका, ये दीवान कम बेड है, ये फिर अगेन डबल बेड है। ये सब हमने अपने पीसेस बनाए हुए हैं और डिस्प्ले किए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब इतने अच्छे अच्छे डिजाइन आपने मतलब बना रखे हैं। ये क्विल्टिंग के साथ डबल बेड बना हुआ है, पिंक कलर में, ब्लू कलर। तो मतलब यहाँ पे स्पेस के कारण इतना डिस्प्ले। मैं आपको बंग बेड्स के भी दिखा देती हूँ डिजाइन अभी। वो तो चलो पीडीएफ शेयर कर देंगे हम, जो भी आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं उनको, जितने मर्जी आप बताया था अभी आपने 80+ डिजाइन आपके पास है, जो आपने बना रखे हैं वो शेयर कर देंगे। और क्लाइंट्स के पास कुछ डिजाइन है वो आप शेयर कर सकते हैं, वो भेज सकते हैं पूरे। अब क्या दिखा रहे हैं, अब क्या दिखा रहे हैं? ये सब बेड टेबल है। अच्छा। ये जैसे बच्चे को बेड पे बैठ के आपको कुछ स्टडीज वगैरह करानी हो, एक्टिविटी करानी हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इसको स्टैंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे करके लैपटॉप टेबल बन जाएगा इसका फिर। ठीक है, तो ये कितने का? ये 1200 का है सर। ये 1200 का है? हाँ जी। वैसे इसका प्राइस क्या होता है? ये 1500 का होता है, ये आफ्टर डिस्काउंट हम 1200 का देते हैं। तो हमारे लिए 1200 का आपने कर दिया। ठीक है, मैं वैसे ही डिस्काउंट मांगता पहले, तो आप पहले ही कर दिया। ठीक, अब क्या दिखा रहे हैं इसके बाद? अब मैं टॉय बॉक्स आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जैसे बच्चों के आपने देखा होगा सॉफ्ट टॉयज इधर उधर पड़े रहते हैं, सब डस्टी हो जाते हैं, तो ये आप इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो टॉयज को। ठीक है, और ये बाहर पूरा पेंटिंग हुआ है, ये डिस्काउंट हो गया हमारा। हाँ जी, और ये मैकेनिज्म, ये मेरे ख्याल से इंडिया में मिलता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये मैकेनिज्म। तो हमारा इम्पोर्टेड हो गया ना? हाँ जी, इम्पोर्टेड है सर। तो इसका क्या प्राइस होता है? ये 2000 का है सर। ये 2000 रुपीस का है? हाँ जी। इतना प्यारा। हाँ जी, बढ़िया। ये बच्चे इसमें बैठ भी सकता है, एज अ स्टूल यूज कर सकता है। हाँ जी, और एज अ स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपके सेफ रहेंगे टॉयज, कोई गंदे नहीं होंगे कुछ। जी जी, ठीक है। और क्या दिखा रहे हैं इसके बाद? ये स्टडी टेबल है सर, एक्टिविटी टेबल बोलते हैं इसको, मतलब स्टडी टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक्टिविटी टेबल की तरह से भी। मतलब इस पे मदर या आपका ट्यूटर जो आता है वो बैठ सकता है, एक तरफ, एक तरफ बच्चा बैठ सकता है। मतलब इतना वेट स्टडी है ये? हाँ जी, बहुत। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये कोई भी बैठ सकता है, किसी भी एज का बंदा। ये भी रबर वुड है? रबर वुड में ही है ये, इसीलिए काफी। इसका अभी साइज क्या है इसका, जो टेबल का? ये 2x2 का साइज है सर। ठीक है, और ये 16x16 की ये वाला साइज होता है। ठीक है, इजीली बैठ सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा। ये आपका अराउंड 5-6 इयर्स जो है आराम से, इसकी गारंटी रहती है, कहीं नहीं जाएगा। मतलब आप हर फर्नीचर की 5 इयर्स की वारंटी आप दे रहे हैं अपनी तरफ से? हाँ जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अब जो ये आपने दिखाया, ये स्टडी टेबल या एक्टिविटी टेबल जो भी कहते हैं इसे, इसमें भी डिजाइन होते हैं आपके पास? डिजाइन इसमें राउंड टेबल बन जाती है, कलरफुल बन जाता है। अच्छा, मतलब कलर में जैसा मर्जी। हाँ जी, करा सकते हैं। हाँ जी। और ये पीछे क्या रखा है, बेड है या दीवान कम? ये दीवान कम बेड है सर। अच्छा। ये ओपन होके 6x6 का हो जाएगा। अच्छा, बाकी अभी 6x3 का है। तो इसका प्राइस क्या है दीवान कम बेड का? ये 28,000 का। 28,000 का? हाँ जी। और ये जो आपका स्टडी टेबल, ये 9,000 का है सर। 9,000, ये वैसे आफ्टर डिस्काउंट 8,000 का दे देंगे। ठीक है, हमारे लिए 8,000। और यहाँ क्या है, ये तो नेगोशिएट भी सर मैम ने बोला कि कर देंगे। ये सिंगल बेड रखा है, ये 18,000 का है सर। 18,000 इसमें काफ़ी डिजाइन होते हैं हमारे पास, अलग अलग रेंज होती है, जैसे जैसे डिजाइन, मतलब किसी में ज़्यादा काम होता है, किसी में कम काम होता है, तो उस हिसाब से। ये अभी आपने कितना था? 18,000। तो इट मीन्स अगर डबल होता तो वो मेरे ख्याल से 36,000-35,000 का हो जाएगा। हाँ जी, है ना? हाँ जी, डबल बेड। तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अपने घर के लिए अच्छी क्वालिटी में बेड बनवाना है, भले ही बच्चों का हो या अपने लिए बनवाना है, तो यहाँ पे आपको 35,000-36,000 में डबल बेड भी मिल जाएगा आपके रूम के लिए। हाँ, है ना मैम? हाँ जी। ठीक, तो मैम जैसे कि आपने अपने डिस्प्ले के सारे प्रोडक्ट हमें दिखा दिए, और आपने बताया कि आपके पास इतना एरिया नहीं है कि अपने सारे प्रोडक्ट आप डिस्प्ले पे रख सके, तो आपने हमें कुछ फोटोज दिखाई जो आपने अपना वर्क कर रखा है, अपने बना रखा है, वो सब दिखाया। हाँ जी। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने काफ़ी काम किया है, और हमारे पास काफ़ी पिक्स हैं, हम आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं पिक्स। बंग बेड्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल स्पेस में, मतलब 6x3 की स्पेस में आपको 3 बेड्स प्रोवाइड करते हैं। आजकल जैसे फ्लैट्स में छोटे रूम्स होते हैं, तो उसके लिए आपके बहुत ही, मतलब
एकदम फिट जो कह सकती हूँ मैं वो रहेगा। ठीक है, और आप आइए हमारी शॉप पे, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे फर्नीचर मिलेगा। किड्स की स्पेशलाइजेशन है, आपके डिज़ाइंस भी हम कॉपी कर सकते हैं ऑन ऑर्डर, जैसे आप कस्टमाइज कराना चाहेंगे वैसे हम कर देंगे। हमारा प्रोडक्ट जो है किड्स के लिए 100% सेफ है, और जैसे आप ऑर्डर देते हैं रॉ में सामान बन रहा होता है तो आप आके विजिट भी कर सकते हैं। वर्कशॉप हमारी यहीं नियर बाय मायापुरी में है, ठीक है, और नहीं तो हम आपको फोटो शेयर व्हाट्सएप पे शेयर करके आपको आपका प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप सबने देख लिया कि कितने अच्छा अच्छा यहाँ फर्नीचर है, किड्स फर्नीचर है, साथ ही साथ मैम की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मार्केट से प्राइस कम रहने वाले हैं और क्वालिटी एकदम बढ़िया रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं नंबर्स पे या मैम से कांटेक्ट करते हैं तो आपको पूरी पीडीएफ शेयर कर जाएगी, मतलब 80 प्लस आपको डिज़ाइन शेयर कर जाएगा। अगर उसमें से आपको पसंद आते हैं तो आप बताइए मैम को, अगर नहीं पसंद आते, अगर आपके पास अपना कोई डिज़ाइन है तो प्लीज़ शेयर करें, कोशिश होगी कि वो बन जाए डिज़ाइन। और मैं आपको कहता हूँ कि एक बार प्लीज़ आइए यहाँ, विजिट करिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फर्नीचर बहुत ही कम दाम में मिलेगा, और साथ ही साथ ये स्टोर ऑल इंडिया डिलीवरी भी करता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे अपना इतना अच्छा फर्नीचर दिखाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहूँगा। धन्यवाद।